अच्छा मुझे तो वो याद आ रहा है कभी कभार ऐसे भी आपको मिल जाएंगे कुछ सवाल हाँ कि जी हमारे यहाँ ऐसा सीन नहीं है लड़का कुरान का हाफिज भी है राइट और वो तिलावत बड़ी अच्छी करता है और साइड क्या है कि वो तो मुझे हजुत के पद उठाती भी है मुझे कॉल करती है आई मीन उसके बारे में आप ये कहना चाहते हैं शैतान भी कंफ्यूज है <laughs> <laughs> मैंने तो तो इनको किसी और पे लगाया तो अल्लाह के करीब हो गए नहीं अच्छा वो कहा तो I mean, ऐसी ऐसी ना कि जो लोग घर से भरे हुए नहीं होते ना वो बहुत ईजिली प्रेयर्स के पीछे पड़ जाते हैं जो जो जिसको जिस खातून को उसके बाप ने प्यार नहीं दिया होता ना और जिस बेटे को उसके पेरेंट्स ने हग और कडल और अप्रिसिएशन और कहना कि यार तुम तो माशाल्लाह बड़ा कमाल के काम करते हो तो वो प्रेज के भूखे होते हैं वो भर उनको कोई भी तारीफ़ कर देगा चाहे झूठी कर देगा देर फॉल फॉर दिस पर्सन ईजीली तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि एक तो पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को वेलीडेशन दें उनको बाहर की वैलिडेशन पर डिपेंडेंट ना करें उनको खुद से इतना भरावा रखें प्यार और मोहब्बत को और इंडोरफिन उनको इतने दें हक और कडल कर कर करके उनको बाहर से जरूरत ना पड़े और हुँ, दूसरे ये भी दूंगा खातिन को कि प्लीज डोंट सेल योर सेल्फ सच प्राइस यानी किसी को ईजीली अपना नंबर ना दें Hmm. किसी से इजीली बात तक यू आर जेम यू आर अ डायमंड तुम इजीली एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए हो। hmm. Hmm. हर कोई बात कर सके हर कोई गप्पे मार सके या हर कोई इजीली हाई टच कर सके दिस शुड नॉट बी द केस अच्छा यू शुड बी द ऑनर एंड प्राइड ऑफ योर हसबेंड द फर्स्ट मैन शुड टच यू आफ्टर यूर फादर एंड योर ब्रदर इज ये अपने आपको इतना वैल्यूबल बनाए प्लीज डोंट बी यानी हर किसी के साथ गपशप लगा देना हर किसी हैंग आउट करने चले जाना और बातें करना शुरू कर देना क्योंकि जब खातन रिजर्व होंगी ना जब खातन अपनी वैल्यू और कदर पहचानेंगी तो फिर मर्द भी इजिली प्ले नहीं कर सकेगा उनके साथ यहाँ पे एक परस्पेक्टिव मैं आप सब देना चाहूँगा